tomorrow. Face Fresh L Glutathione. Jo bhi bright and moisturized skin. Taki main rahu hamesha khas. Jo Face Fresh, wahi beautiful. Tawanai se bharpoor mazedar. Doodh Roo Afza. 225 milliliter tetra pack mein dastiyab hai. Fast cables hai number one in technology. Pehli Kima Gold certification. Koi ki fine CCD line aur real quality ki fast dasti. Taron se sitaron tak. Fast cables. Ali. Ji papa. Bhan ko evening class ke liye chhodo. Aur suno. Amar ke abu ko salam dena. Magar thoda trust. Chup noodles ka chhotu pack. Sirf 20 rupaye mein. Star 614 hash milao aur 67 rupaye mein jazz mahana budget offer lagao. Jazz duniya ko bata do. And the award goes to Mr. Fawad. Inverix Lamp, Instant Gas Water Geyser, Stainless Steel Body, aur Pakistan mein pehli baar, Ford Raw Burner, Inverix, changing your life better way. Fast cable se jagmagaye har khel ka maidan, performance shandaar, real quality ki pehchan, taron se sitaron tak, Fast Cables. Ek chocolate abhi ke liye. का चेंज हैप्पी बर्थडे कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए स्टार 614 हैश मिलाओ और 67 रुपए में जैज महाना बचत ऑफर लगा जैज दुनिया को बता दो तवानाई से भरपूर मजेदार दूध रू अफ़ज़ा 225 मिलीलीटर टेट्रा पैक में दस्तियाब है लो सूख गए था अब कोई नहीं निकाल सकता जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है नया बेहतर सर्फ एक्सल इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले नया सर्फ एक्सल दागों का चैंपियन सर्फ का दस्त अब दे 10% ज्यादा पाउडर और डार्क स्पॉट्स की टोटल ट्रीटमेंट फेस फ्रेश क्लींस द फेस वॉश जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल नए एरियल में है पावरफुल एंटी बैक फॉर्मूला जो करे 99.9% जरासीम का सफाया भी एरियल मशीन एक्सपर्ट निकालो सब पावर जरासीम सिर्फ एक धुलाई में Ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for staying tuned to PTV Sports. You watching Game On with Shahzad Khan and mere saath mere bahut hi kabil aur fazil dost Mr. Asim Kamal. Khawateen aur hazrat, Colombo Kings ne toss jeet kar pehle ballebazi karne ka faisla kiya aur uski wajah ye hai unke kaptan ne bade dukhi andaaz mein kaha ki humne 5 mein se 3 gemon mein sirf jo hai wo chase kiya to is dafa hum target set karna chahte hain lekin isse pehle ki hum mazid aage badhein apni guftugu ko aage badhaye hum pehle playing 11 ke upar nazar dalna chahte hain Colombo Kings ka ek change hai
और गैल ग्लैडिएटर्स की तरफ से दो चेंजेस आए जिसमें उन्होंने फर्नांडो को बाहर भेजा है। सो आसिफ भाई आ जाए कोलंबो की सेम टीम है सर इनकी और एक चेंज प्रसाद को लेकर आए हैं और बाकी उनकी प्लेइंग 11 पूरी वही है और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं चंदीमल की दो मैचों से एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर रहा है, जिम्मेदाराना इनिंग खेल रहा है और यही जो है सीनियर प्लेयर से बंदा चाहता है कि वो इस तरह की अपने जो चीजें जो है वो टीम के साथ इस तरह लेके चले ताकि उनको परफॉर्मेंस में आसानी। लेकिन लॉरी इवेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे ओपनर नहीं है ये 14-15 इसी तरह नहीं है, खेलते तो अच्छा है लेकिन ये कि थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ये कि जब आप विकेट पे स्टैंड कर जाएं तो लंबा थोड़ा सा इनिंग को इनहेंस करें तो फिर ये कि आपको आसानी होती। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो आप 15 ओवर्स तक आप इस तरह नॉर्मल टारगेट पे भी, क्योंकि नॉर्मल उसमें भी जाते हैं तो 10 रन की एवरेज पे आप इजीली रन करते हैं और लास्ट 5 ओवर्स में अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं तो फिर आप अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं कि जो कि काफी मैचेज में हमें नजर भी आया कि 5 ओवर्स में 70-75 रन भी बनते हैं। और अब बात करते हैं लेडीज जेंटलमैन उस टीम की जो पॉइंट टेबल पे इस वक्त फिलहाल बिल्कुल नीचे है और स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये खेल सके। अच्छा मुझे लगता है इन्होंने वॉल्टन को लेकर आए, शायद फर्नांडो को बाहर लेके गए हैं गैल ग्लैडिएटर्स। वॉल्टन तो पहले भी खेल रहे थे और ये लक्षण भी इनके साथ थे, ये जयसूर्या और ये अपना तुषारा जो है नए ये आए हैं अंदर, अदरवाइज टीम इनकी जो है जो उन्होंने बताई थी सेम वही खेल रही है। दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि गुनाथिला का जो है टॉप स्कोरर्स में से इस वक्त लीग के, लेकिन जो हम शुरू से और आखिर तक और आज भी यही बात कर रहे हैं कि मैच फिनिश करना जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि आप जब थ्रू आउट पूरा मैच पूरा लेके चलते हैं और फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं है तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि अगर आजम खान थोड़ी देर और स्टे कर जाते तो मैं समझता हूं कि एक ओवर पहले मैच खत्म हो सकता था। एग्जैक्टली और यहां पे मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है वो बात भी यही है कि अगर आप हाफ सेंचुरी भी बना लें, सेंचुरी भी बना लें, आप डबल सेंचुरी बना लें और आपकी टीम मैच नहीं जीती है तो उस डबल सेंचुरी का कोई एडवांटेज नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखें अगर हम ये इस चीज को देखें तो हार्ड हिटिंग जो है ना गुनाथिलाका से ये इतने ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है क्योंकि ये एक प्लेयर्स की अपनी एक क्लास होती है, वो डिफरेंट उसमें होती है। जैसे अब अगर हम उनका कंपैरिजन आजम खान से करते हैं तो वो डिफरेंट स्ट्रोक प्लेयर है, मतलब क्लीन हिटिंग है, पावर हिटिंग अच्छी है उसकी ना, हाथ में पावर है, रिस्ट स्ट्रांग है, तो वो चीज हमें गुनाथिलाका में नजर नहीं आई। लेकिन आप अगर इस तरह की हिटिंग नहीं कर सकते तो आप मैच को इतना एक कॉम्पैक्ट जोन में टीम को दे जाओ ताकि आने वाले पे प्रेशर ना हो, क्योंकि आप थ्रू आउट पूरी पहले ओवर से अगर 17-18 ओवर तक आप बैटिंग करते हैं और रिजल्ट फिर भी आपका जीरो आ रहा है तो फिर इसमें सवाल बनता है। सवाल बनता क्या है? चले आपसे आज पूछते हैं कि सवाल क्या बनता है। देखें सवाल ये बनता है कि आप कितने पानी में हो, क्या आप में ये चीज आप लैक कर रहे हो, पावर हिटिंग लैक कर रहे हो, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी के साथ साथ खवातीनों के साथ एक नजर जो है हम मौसम पर भी डाल लेते हैं क्योंकि 10% चांसेस है रेन के, लेकिन अगर आपको याद होगा जो शुरू के मेरा ख्याल थर्ड या फर्स्ट था तो 10% रेन चांसेस आ रहे थे वेदर फोरकास्ट में और दैट इज ऑब्वियसली इन अल्लाह कंट्रोल, तो वो बारिश भी हो गई थी, फिर उसके बाद डकवर्थ लुइस लग गया था और दूसरी टीम को काफी खुमियाजा भुगतना पड़ा था। आज भी रेन के चांसेस 10% ही हैं लेकिन विंड इज 11 किलोमीटर पर आवर। सर देखें ये वही चीज है कि आपका वेदर पे तो कोई आपके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ना कंप्रोमाइज कोई है, बस यही है कि डकवर्थ लुइस जिंदाबाद हो जाता है और वही चीज हम तो ये चाहते हैं कि मैच कंटिन्यू हो, पूरे मैचेस हो, तो क्योंकि ग्लैडिएटर्स के लिए तो एक मौका है कि उनको तो कोई माइनर से भी समझ लिया अगर एरर उन्होंने किया तो वो टूर्नामेंट से ही आउट हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं मैं वेदर की बात इसलिए कर रहा था, प्रिसाइजली मैं विंड के बारे में बात करना चाह रहा था 11 किलोमीटर पर आवर।